आजाद हिंदुस्तान लाइव सच के साथ। समय सीमा बैठक के दौरान पेयजल और निर्वाचन कार्यों की हुई समीक्षा। बड़वानी जिले में गर्मी के मौसम ने दस्तक दे दी है और इस समय क्षेत्र में अत्यधिक गर्मी पड़ रही है, अतः हमारा प्रयास है कि जिले में कहीं पर भी पेयजल की समस्या ना हो। ग्रामों में पंचायत मुख्यालय पर पानी का टैंकर रखवाया जाए, आवश्यकता होने पर पेयजल परिवहन के माध्यम से ग्रामीणों को पानी उपलब्ध कराया जाए, साथ ही क्षेत्र में निजी ट्यूबवेल को अधिग्रहित करते हुए पीने का पानी उपलब्ध कराया जाए। उक्त बातें कलेक्टर डॉक्टर राहुल फटिंग ने कलेक्टोरेट सभागृह बड़वानी में सोमवार को आयोजित समय सीमा बैठक के दौरान कही। इस दौरान कलेक्टर ने निर्देशित किया कि जनपद पंचायतों और नगर निकायों में पेयजल की शिकायत हेतु रजिस्टर संधारित किए जाए। इस रजिस्टर में प्राप्त होने वाली शिकायतों की प्रविष्टि करते हुए शिकायतों के निराकरण पर त्वरित कार्रवाई की जाए। साथ ही ग्राम पंचायतों में हैंडपंप रिपेयरिंग करने वाले का तथा जनपद स्तर पर बनाए गए कंट्रोल रूम का नंबर अनिवार्य रूप से लिखा जाए। नलकूप खनन प्रतिबंधित है। समय सीमा बैठक के दौरान कलेक्टर ने बताया कि जिले में नलकूप का खनन पूर्णतः प्रतिबंधित है। मध्य प्रदेश पेयजल परिरक्षण संशोधित अधिनियम 2002 के अंतर्गत संपूर्ण जिले को जल अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित कर जल स्रोतों, कुएं, तालाब, नदी, हैंडपंप, ट्यूबवेल से पेयजल और निस्तारण हेतु जल के उपयोग को छोड़कर अन्य उपयोग हेतु प्रतिबंधित आदेश किया। उक्त अधिनियम में उपबंधित नियमानुसार अपने क्षेत्र में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व की अनुमति के बिना तथा पूर्व स्थापित नलकूप की 150 मीटर की त्रिज्या में कोई भी नलकूप खनन नहीं करवा सकेगा। बिना अनुमति अवैध उत्खनन के मामलों में उक्त अधिनियम में उपबंधित नियमानुसार अपने क्षेत्र में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कार्रवाई करेंगे। लोकसभा निर्वाचन कार्यों की हुई समीक्षा। समय सीमा बैठक के दौरान कलेक्टर ने लोकसभा निर्वाचन कार्यों की समीक्षा करते हुए निर्देशित किया कि 13 मई को जिले में मतदान होना है, उस समय क्षेत्र में भीषण गर्मी की स्थिति रहेगी, अतः गर्मी के मद्देनजर मतदान केंद्रों पर बिजली की संपूर्ण व्यवस्था की जाए। उक्त कार्य को मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारी पूर्ण करते हुए कार्य पूर्णता का प्रमाण पत्र जिला निर्वाचन कार्यालय को प्रस्तुत करेंगे। बैठक के दौरान कलेक्टर ने कर्मचारी प्रबंधन, प्रशिक्षण प्रबंधन, परिवहन प्रबंधन, सामग्री प्रबंधन, ईवीएम प्रबंधन, स्वीप गतिविधियां, व्यय अनुश्रवण, एमसीएमसी, बैलेट पेपर, संचार योजना, शिकायत निवारण सेल, मतदाता हेल्पलाइन के कार्यों की भी समीक्षा की। बड़वानी से ब्यूरो रिपोर्ट।